अच्छा जी आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है बताइए उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उर्दू को इंग्लिश में उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उर्दू को हम तो यहाँ पे अंग्रेजी भी उर्दू में ही बोलते हैं अंग्रेजी उर्दू में बोलते हैं टीचर एक और सवाल जी बेटा ये पूछना रहा है जिसने पहली बार दही बनाई वो दही से लाया था हाँ ये पूछना अंडा जो लेकर आया था और मुर्गी के पास लेकर गया था वो साहब और आप दोनों का मैं अभी इंटरक्ट लेवल चेक कर रहा था

अच्छा ये तो खैर चलता रहेगा साहब इंसान की पर्सनैलिटी के एज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो किसी न किसी हवाले से कवर कर आपके ख्याल में मुँह फट होना बेहतर है या पॉलिटिकली करेक्ट होना मैं बदतमीजी को कभी इंडोस नहीं करती आप, आ, आपको, आपको लगता है मुँह फट होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बदतमीजी हर बात कहने की नहीं नहीं, होती हर बात कहने की आपके ख्याल में इज योर डील ब्रेकअप इन रिलेशनशिप ट्रस्ट और ट्रस्ट मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपका पार्टनर हो या काम काम हो कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपने र, र, रही है उसके अंदर बहुत सारे आप नहीं लगा सकते कंडीशन hmm. आपके डील ब्रेकर्स एक या दो होते हैं जो आप बता देते हैं कि भाई ये है बाकी सब कुछ जो है एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ है कि, uh,

कभी आज तक किसी गैस को अवार्ड नहीं मिला इन्हें हाँ. मिलेगा uh, मैं और ये लेकर जाऊंगा सीरियसली एक्चुअली टू नो यू आर मुझे लगता है कि हम लोगों की ये ये वाली चीजें सेल्फ रिकग्नेशन की हमें सिखाई ही नहीं जाती शायद हमारे उस चीज़ का हिस्सा ही नहीं है लेकिन आई थिंक इवन एज अ पेरेंट यू आर गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स Uh, in, आपके बच्चों के बारे में, में बात आएगी या वो अपने कोई रिलेशनशिप या अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो आप उसको ज्यादा समझ सकते हैं और आप उनको उस तरीके से सफोकेट नहीं करेंगे जैसे शायद आप हुए हो, हुए हो।, हो। बात रिलेशन जनरेशन टू जेनरेशन जो फर्क आता है वो यही आता है कि वॉट आप जिससे गुजरे होते हैं आप उससे बेहतर बनना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने बहन भाइयों के लिए तो वो चीज़ आगे चलती है तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर पेरेंट्स आई एग्री आई एग्री ब्रेक लेते हैं जी लेकिन <laughs> और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर <laughs> होते हैं हम हमारी शारी साहिबा को कहीं नहीं जाने देंगे <laughs> एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में पिछले तीन सालों में बहुत सारी हमारे मीडिया में आपस में ही शादियाँ उन्होंने कहा कि बार किसी को ही ना दो। अच्छी बात <laughs> करना जी? So, के दोनों का एक ही मीडिया से ताल्लुक होना किस रीजन की वजह से कर रहे हैं वो मैटर करता है और आप अपने आप को खुद कितना जानते हैं और

तो कैसा वक्त गुजरता है बहुत अच्छा भाई कभी बहुत उनसे पूछा कि उनको आपसे कोई तकलीफ है मैंने नहीं? उनसे नहीं पूछा कि मुझे डर है वो इनकार ना कर दे बाद हाँ। <laughs> से ये मैंने उनसे पूछा ही नहीं इस वजह बाद एनिमल्स दे चेंज योर लाइफ कोई ऐसी माजी की आर्टिस्ट जिसको आप बहुत मिस करती हो कि अनफॉर्चूनेटली यू डिडंट वर्क विद हर और हिम और व्हाटएवर उस्मा गिलानी

कोई ऐसी आदत मारिया आप आप महसूस करती कि अब मुझे इससे छोड़ देना चाहिए वो मीडिया पे वक्त लगाती है नहीं ये मेरी एक बहुत बड़ी आदत है बड़ी आदत हमें हमारे लोग तस्वीरें खींचते थे खुद खींच के लगाए लगता है और नहीं भाई ये हो सकी और मैं इस पे फेल हो गई जीरो नंबर आया मेरा जीरो नंबर आया अपने आप को कहाँ देखती हैं अगले पाँच या दस सालों में मैंने नहीं आई नॉट यू क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइफ इन इट सेल्फ इज सो अनप्रडिक्टेबल इन सो मेनी वेज दैट दैट इट है क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगी कुछ भी क्यों <laughs> <laughs>

अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए कि हम लोग सिर्फ मैं नहीं वट आई वॉन्ट द होल ऑफ द मीडिया वो इस लेवल पर आए आई आई टोटली बिलीव इन टीम वर्क